अग्रवाल धर्मशाला भट्टू मंडी में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से शहीदी दिवस पर लोकतंत्र बचाओ विषय पर गोष्ठी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील प्रधान मास्टर हनुमान सिंह मैनेवाल ने की। मुख्य वक्ता हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य उप महासचिव कृष्ण नैन ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, ऐसे समय में लोकतंत्र बचाना ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार देशभक्ति का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन इन शहीदों की जीवनियों को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। आज के दिन ही तीनों शहीदों को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। उन्होंने बताया कि फांसी के लिए निश्चित दिन से एक दिन पहले ही शाम को इन शहीदों को फांसी दे दी गई और उनके शरीर अर्धजलीय अवस्था में सतलुज नदी में बहा दिए गए। शहीद भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना गुरु मानते थे। जब किसी व्यक्ति को फांसी का आदेश होता तो उसके मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन इन तीन शहीदों ने फांसी से पहले ही सरफरोशी की तमन्ना गीत गाया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला किया गया। किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। MSP को लागू नहीं किया जा रहा है। किसानों के हथियारों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष बनाया जा चुका है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम देश में लोकतंत्र बचाने की दिशा में अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा पूरा योगदान दें। हमारे लिए शहीदों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभा को तहसील सचिव सुभाष बाधु, कमल बिसला, उप प्रधान रोहतास डूडी, सर्व कर्मचारी संघ जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण जाखड़, कुंडाराम पूनिया, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला सचिव देशराज मात्रा, सरपंच प्रतिनिधि आशु गोयल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर जगदीश शर्मा, बल्लू गोदारा, शर्मिला गुड्डी देवी, छोटू राम जंगू, रिचपाल, वजीर सिंह, कृष्ण कुमार, विजय वीरेंद्र मेणिवाल, राम सिंह बांबू, हनुमान रिवाड़, सरपंच प्रतिनिधि आशीष सिंगला उपस्थित रहे और शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।